हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोबारा से स्वागत है आपका मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो अभिकृति रिकॉर्डिंग स्टूडियो नियर श्याम अपार्टमेंट मुखानी हल्द्वानी पे, जहां आके आप म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। और साथ में ही मैं स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल अभिकृति प्रोडक्शन पे, जहां आपको मिल रहे हैं कीबोर्ड के ट्यूटोरियल्स, गिटार्स के ट्यूटोरियल्स। आप वहां भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं हमसे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। दोबारा से आपका स्वागत करता हूँ और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला ये थी पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में दोनों हाथों से इसी स्केल को बजाना था। 2, 3, 4 कंबाइंड बजाना था। 2, 3, 4 फिर आपको इसी मेट्रोनोम के साथ अभी मैंने बजाया असेंडिंग असेंडिंग, 3 मेजर स्केल दोनों हाथों से असेंडिंग असेंडिंग, यानी कि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे और नीचे की तरफ साथ में आ रहे थे। अब हम असेंडिंग डिसेंडिंग एक साथ बजाएंगे। 3, 4 आपको ये प्ले करना है और मेट्रोनोम के साथ ही प्ले करना है। बस मैंने आपको बताया कि आपको सी मेजर स्केल हम जो बजा रहे हैं वो एक सी मेजर स्केल है, किसी की सिम्फनी सा रे गामा पा धा नी सा, आप ये बजा रहे हैं। बहुत ही आराम से ही सीखना है आपने। एक्चुअली मेरा मतलब ये है कि आप तक वो मैसेज आराम से पहुंच जाए कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, क्या आपके वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इसको आपकी फिंगर सही नोट पे सही टाइमिंग पे पढ़ रही नहीं या नहीं पढ़ रही है, ये ही मेरा मकसद है कि आप अच्छे से सीख पाए। स्पीड ज़्यादा यहाँ पर मैं कोई प्रोफेशनली शो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं। तो हम लोग, मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि जो मैं टीच कर पा रहा हूँ बहुत भयंकर बजाने से नहीं है, यहाँ पर सिंपल सा सी मेजर स्केल आपको मैंने बजा के दिखाया। सेकंड थिंग, कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको देनी है। मैंने आपको ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास ऑक्टिव पे आज हम जाते हैं, एक ऑक्टिव हम नया करते हैं। ऑक्टिव यानी कि ऑक्टिव वो होता है जिसमें 12 सुर होते हैं। संगीत में वैसे कहते हैं संगीत के 7 सुर, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि संगीत के 12 सुर होते हैं। हमारे पास 5 एक्स्ट्रा शार्प नोट भी होते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में भी होते हैं, जहाँ तीव्र और कोमल सुर जिनको कहा जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक में ये शार्प नोट्स होते हैं 5, उन 7 शुद्ध स्वरों के अलावा, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा सी डी ई एफ जी ए बी सी, इनके अलावा ये ब्लैक 5 शार्प हमारे पास हैं। तो 7 + 5 = 12 नोट, इन 12 नोट का एक सीक्वेंस क्रोमेटिकल बना हुआ। अगर हम इन बटनों को बिना, मतलब इन कीज को बिना कोई कीज लेफ्ट करे हुए बजाएंगे तो उसको कहते हैं क्रोमेटिकल स्केल। आप अगर काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये एक ऑक्टिव होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये एक ऑक्टिव होता है, C to B, ये एक ऑक्टिव होता है। ऐसे ही एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 5 ऑक्टिव होते हैं, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 61 कीज होती हैं, जो सी से सी पे शुरू होती हैं। 12 × 5 = 61 कीज प्लस 1 more extra keys फॉर द सी, सी से सी पे, तो 61 की का हर किसी का स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। तो एक ऑक्टिव पे आज हमने बजाना सीखा था,
पिछले वीडियो तक आपने ये सीखा और आई होप कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। स्केल बजाने से आपकी जो फिंगर हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और सही स्केल सही नोट पे सही फिंगर जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो बार बार प्रैक्टिस करते रहते हो तो सही नोट पे सही फिंगर आपकी पढ़नी शुरू हो जाती है, आप लगाने लग जाते हो, प्ले करने लग जाते हो और वो बहुत ही राइट वे में बजता है और दिखता भी बहुत अच्छा है। ये देखिए स्केल को हम दो ऑक्टिव पे बजाना सीखेंगे। फर्स्टली मैंने आपको बताया था फिंगर थी जो आपके स्केल था सी डी ई एफ जी ए बी सी, तो फिंगर था, फिंगर नेम आपको जिनको नहीं पता मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि थंब को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो हमने मेजर स्केल राइट हैंड से बजाया था 1 2 3 सी डी ई, कंटिन्यू जो फिंगर आएंगी सी डी ई एफ जी ए बी सी स्केल था तो कंटिन्यू फिंगर है सी डी ई एफ जी ए बी सी, फिंगर आ गई 1 2 3 1 2 3 4 5 लेफ्ट हैंड से 5 4 3 2 1 3 2 1। मैंने आपको ये पिछली वीडियो में सब में बता रखा है कि आपको कहाँ से बजाना है, कौन से नोट से बजाना है, आपके कीबोर्ड के डायग्राम के हिसाब से भी बता रखा है कि आपको कैसे बजाना है, कौन से नोट से किस की को गिन के बजाना है, कैसे कैसे गिनना है, आप पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं जा करके। और विकृति प्रोडक्शन पे आपको मिल जाएगा दोनों हाथ से कीबोर्ड कैसे बजाएं, हाउ टू स्टार्ट अ कीबोर्ड, हाउ टू स्टार्ट अ प्लेइंग कीबोर्ड, ये सारे टॉपिक वहाँ पर हैं। आज की वीडियो को दोबारा आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हैं। अब मैं इनको बता रहा हूँ कि डबल ऑक्टिव पे ये कैसे बजेगा, तो हम जाएंगे कीबोर्ड पे और 1 2 3 1 2 3 4 5 हम करते थे, इस 5 को छोड़ करके 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे करेंगे, मतलब लास्ट नोट जो पहले ऑक्टिव का लास्ट यानी कि पिंकी फिंगर जो आती थी वो ना हो करके डायरेक्ट थंब आ जाएगा। जहां तक आपको बजाने हैं ऑक्टिव में तो लास्ट नोट राइट हैंड की, दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये राइट हैंड की एक्सरसाइज है, आपको पिंकी फिंगर को छोड़ना है राइट पे अगर आपको उस ऑक्टिव के आगे को अगले ऑक्टिव पे बजाना है, अगर आपको रिटर्न आना है तो आपको पिंकी फिंगर लगा के स्टॉप करना है। कैसे देखिए, ये भी प्रैक्टिस आपको मेट्रोनोम के साथ करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे दोस्तों 5 5 4 3 2 1 3 2 1 यहां तक एक ऑक्टिव, दूसरे ऑक्टिव को आपको फोर फिंगर से शुरू करना है 4 3 2 1 2 3 1, ठीक है। आइए 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 2 3 2 1 ऐसे 5 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू। ये ऑक्टिव असेंडिंग श्रेणी आप दोनों हाथों से बजाओगे। आज आपको ये प्ले करना है, फिर हम लोग नेक्स्ट स्केल और हम बैक टू बैक सीखेंगे, ऐसा नहीं कि हम बीच में से कुछ और सीख रहे हैं। आपकी क्लासेस पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 के हिसाब से या क्लास 1 क्लास 2 क्लास 2 के हिसाब से आ जाएंगी। मैं ये नया मेरा चैनल है तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और आपको अगर समझ में आ रहा हो और आगे भी आपको किसी स्केल या कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊँ। हमारी सीरीज ऐसे ही चलते रहेगी तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास अच्छा मौका है कि स्टार्टिंग से हम लोग सीख रहे हैं कैसे बजाना है, कैसे क्या करना है। मैं बैक टू बैक आपको आज ऑक्टिव कल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको समझ के चलती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए आपसे यहीं पे विदा लेता हूँ और आज का टॉपिक आपको रिपीट करवा देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से देख सकते हैं पिछली वीडियो की स्केल कैसे बजाएं, फिर दूसरी वीडियो है कि दोनों हाथों से स्केल कैसे बजाएं और आज मैंने आपको दो ऑक्टिव पे सेम स्केल को कैसे बजाएं ये बता दी। इससे क्या है आपको बेनिफिट ये मिला है
कि आप पहले तो आप ऑक्टिव जान गए, आपकी एड ऑन हुई है, एक वैल्यू एड ऑन हुई है कि आप ऑक्टिव जान गए कि ऑक्टिव क्या होता है। मैं तो उसमें बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी बार आप रिपीट करोगे एक एक एक्सरसाइज को, एक ही शब्दों को, मैं एक्चुअली मतलब शब्द लेकर के, जैसे ऑक्टिव, पहले हम स्केल पे थे फिर हम ऑक्टिव जान गए, लेकिन उसी स्केल को एक ही चीज पे, जैसे एक ही स्केल पे हम सारी चीजें लेके आते रहेंगे। मेजर स्केल क्या होता है, ऑक्टिव क्या होता है, सिम्फनीज क्या होती हैं, फिंगर क्या होता है, अगर हम एक ही चीज के साथ, तो आप एक्सप्लेन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं एक्सप्लेन अच्छे से कर पाऊंगा, आप ज्यादा से ज्यादा चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे सीख पाओगे। ये मेरा एक मेथड है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत आसान तरीके से कन्वे कर पाऊं, अपना मैसेज दे पाऊं। तो तब तक के लिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, बहुत बहुत शुक्रिया।